तो यार लास्ट सीज़न मैंने किया था 30 डेज़ गोन का चैलेंज, जिसमें कि मैंने डेली 3 से 4 मैचेस एंड 1.5 से 2 घंटे गेम खेल के 30 दिन में कॉन्कर लगाया था। आप में से भी कुछ लोगों ने लास्ट सीज़न में कॉन्कर लगाया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का सर्वर फीस के चक्कर में यहाँ पे लास्ट सीज़न कॉन्कर नहीं हो पाया होगा। तो आज यहाँ पे फाइनली अपने BGMI के अंदर न्यू सीज़न आ चुका है। लास्ट सीज़न यहाँ पे काफ़ी लोगों का गैस एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे थे, तो लास्ट सीज़न जिन लोगों का कॉन्कर नहीं हो पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यू सीज़न आ चुका है, इजीली आप ये वाले सीज़न में कॉन्कर लगा सकते हो। तो लास्ट सीज़न 30 डेज़ का किया था, तो ये वाले सीज़न में मैं करने वाला हूँ 40 डेज़ कॉन्कर चैलेंज। अब यहाँ पे 40 डेज़ के कॉन्कर चैलेंज में क्या सीन रहेगा, मैं डेली का सिर्फ यहाँ पे 1 घंटा एंड 2 से 3 मैचेस खेल के आपको 40 दिन के अंदर कॉन्कर करके दिखाऊंगा। एंड आप लोगों को भी यहाँ पे डेली मैं आपके टीयर के अकॉर्डिंग पॉइंट्स के टारगेट दिया करूँगा। अगर आप उस टारगेट का 50% भी डेली कंप्लीट करोगे तो यार मेरी गारंटी है इजीली आपका कॉन्कर लग जाएगा। अब यहाँ पे मैप की मैं बात करूँ तो मैप आपको रैंगल ही खेलना है, रैंगल में ही आपको सबसे ज़्यादा प्लस मिलता है। बाकी आप यहाँ पे सोलो डुओ स्क्वाड TPP FPP दोनों जगहों पे कॉन्कर कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छे टीममेट्स हैं जो कि आपके साथ सेम टाइम पे रैंक पुश कर सकते हैं तो आप डुओ या फिर स्क्वाड में ट्राई करो। बाकी मैंने तो यहाँ पे हमेशा की तरह अपना सोलो में रैंक पुश स्टार्ट कर दिया है। एंड अगर आपके पास अच्छे टीममेट्स नहीं है तो आपको भी यहाँ पे मैं सोलो में कॉन्कर करना प्रेफर करूँगा। लेकिन यहाँ पे अपना जो न्यू मोड है सोलो के लिए उतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये वाले मोड में सोलो के अंदर रिकॉल आपको नहीं मिलता है। तो सोलो में ये सीज़न में क्या सीन है, अगर आप स्टार्टिंग में आईलैंड पर मर जाते हो तो वहाँ पर आपको उसके बाद रिकॉल नहीं मिलेगा, लेकिन वही यहाँ पर डू एंड स्क्वाड में आपको आईलैंड पर मरने के बाद भी एक और एक्स्ट्रा रिकॉल दिया जाता है। तो यही एक डिसएडवांटेज रहने वाला है ये वाले सीज़न में सोलो रैंक पुश का। बाकी यार देखो यहाँ पे 40 दिन रैंक पुश करने के लिए काफ़ी होते हैं, अगर आप यहाँ पे डेली के 3 से 4 घंटे भी रैंक पुश को देते हो तब भी आराम से आपका 10 दिन के अंदर ही कॉन्कर लग जाएगा। तो यार यहाँ पे 40 डेज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन 40 डेज़ में आप सभी लोग कॉन्कर लगाने का ट्राई कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पर डेली का 1 घंटा एंड 2 से 3 मैचेस खेलूँगा, लेकिन आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना आपके पास टाइम है आप उतना रैंक पुश कर सकते हो। एंड जितने भी लोग ये सीज़न में कॉन्कर लगाना चाहते हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब यहाँ पे देखो सोलो डुओ या फिर स्क्वाड किसी भी चीज़ के अंदर आप रैंक पुश कर रहे हो तो यहाँ पे कॉन्कर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो आपको लगेगी वो आपका पेशेंस। खास करके यहाँ पे अगर मैं सोलो की बात करूँ तो सोलो के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रख के खेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखो डुओ स्क्वाड में तो फिर भी एक चांस रहता है, अगर आप नॉक हो जाओगे तो आपका टीममेट आपको रिवाइव दे देगा। लेकिन सोलो में आप अकेले होते हो तो यहाँ पे आपके पास कोई टीममेट नहीं होगा जो आपको रिवाइव दे। सोलो के अंदर अगर आप एक छोटी सी गलती करोगे वहीं पे आपका माइनस लग जाएगा। बाकी यहाँ पे लो टीयर में आप अग्रेसिव थोड़ा किल्स के लिए खेल सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका टीयर यहाँ पे डायमंड 2 या क्राउन के पास आ जाता है उसके बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के खेलना है। किल्स के पीछे आपको ज़्यादा नहीं भागना है, थोड़ा सा आपको रैंकिंग के लिए खेलना है। लास्ट के जोन तक अगर आप सर्वाइव कर लेते हैं तो वहाँ पर किल्स के साथ साथ आपको अच्छा सा प्लस भी मिल जाता है। एंड हर मैच के अंदर आपका मिनिमम टॉप 10 करने का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। 5-6 किल्स के साथ भी अगर आप हर मैच में टॉप 10 निकाल लोगे तो वहाँ पे 6 पॉइंट का प्लस आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे रैंक पुश करते टाइम सबसे बड़ी जो आपको मेनली दिक्कत आती है वो होती है हैकर्स की, लेकिन देखो अगर आपको कॉन्कर लगाना है तो हैकर्स को भी थोड़ा बहुत आपको फेस करना पड़ेगा। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप हैकर्स को मार नहीं सकते, अगर आपके मैच में कोई ऐसा बंदा जो कि आपको थोड़ा गलत लग रहा है तो ट्राई करो उस बंदे से लॉन्ग रेंज में फाइट मत लो। क्लोज रेंज में आप इजीली हैकर्स को भी मार सकते हो, मोस्टली यहाँ पे लीडर बोर्ड में काफ़ी सारे हैकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो लीडर बोर्ड वाले बंदों के यहाँ पर आप नाम और स्टैट्स वगैरह थोड़ा चेक कर लिया करो। एंड यहाँ पर साथ में अपने मैच में किल फीड नोटिस करते रहो, अगर आपके मैच में कोई लीडर बोर्ड वाला हैकर आ जाता है तो उसको आप पहले ही नाम से पहचान जाओगे, देन वहाँ पे आपको वाले मैच में बिल्कुल भी किल्स के लिए नहीं जाना है, पूरा आपको सर्वाइव करके खेलना पड़ेगा।
एंड यहाँ पे सोलो खेलते टाइम आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, किसी भी कंपाउंड पे लूट करने से पहले आपको एक बारी गाड़ी घुमा के थोड़ा दूर से चेक कर लेना है। बिना चेक किए कभी भी किसी कंपाउंड पे लूट करने के लिए मत जाना, चाहे आप लूट करने के लिए प्लेन पास से कितनी भी दूर चले जाओ। अगर आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं तो कोई और बंदा भी आपकी तरह सेम उसी जगह पे पहुंच सकता है। अभी फ़िलहाल चल लेते हैं आज के अपने गेम प्लेस पे। तो आज वाली वीडियो में टोटल 4 गेम प्लेस है। फिलहाल के लिए जोन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, मेरे को जोन के अंदर जाना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मेरे को छोड़ के 3 बंदे और लाइव हैं। अब यहाँ पे बाकी दो बंदों की तो आपस में फाइट हो जाती है, यहाँ पे लास्ट वाले बंदे को मैं ही फिनिश कर देता हूँ। बाकी ये वाले गेम की बात करें, ये वाले गेम में मिला था अपने को 30 पॉइंट का प्लस। अभी चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे। ये वाला एक लास्ट जोन का गेम प्ले है। अब ये बंदा यहाँ पे पैन से आके मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बंदा गलत खिड़की पे ट्राई करता है। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे अपने को छोड़ के सिर्फ 3 बंदे और लाइव है। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे डांस करवा के जैसे जैसे लास्ट में फिनिश कर दिया। अभी के लिए मैं BRDM लेके जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे बचे हैं मेरे को छोड़ के 2 बंदे। एक बंदे का साउंड अभी मेरे को ब्रिज के नीचे वाली साइड से आता है।
अब यहाँ पे लास्ट वाले बंदे को मैं सोच रहा थोड़ा सा डांस करवा के मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये भाई को डांस करना नहीं था तो ये बंदा यहाँ पे पानी में कूद जाता है। इसके बाद भी एक मैं नेड पानी में भी फेंक के ट्राई करता हूँ, मेरे को लगा क्या पता बंदा पानी के अंदर डांस करे। लेकिन यहाँ पे पानी के अंदर शायद ये चीज़ काम करती नहीं है। ये वाले गेम में मिल गया था अपने को 29 पॉइंट का प्लस। अभी चल लेते हैं आज के अपने थर्ड गेम प्ले पे। ये वाला स्नाइपर टावर यहाँ पे जोन के सेंटर में था, यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे जैसे से फिनिश कर दिया फिलहाल के लिए। इसके बाद वाला जोन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अभी के लिए ये वाला स्नाइपर टावर यहाँ पे जोन के एज पे था, यहीं पे आके मैं रुकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसके बाद वाला जोन अपने से वापस शिफ्ट हो जाता है। ये वाले बंदे को नेट से फिनिश कर दिया। बाकी बंदों की फाइट अभी जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में कहीं भी हुई थी, अभी सिर्फ एक लास्ट बंदा अलाइव है जो कि मेरे को बता था नीचे लेफ्ट साइड में है। अब पहले तो मेरे को बंदे की लोकेशन पता नहीं चली थी, उसके बाद ये बंदा खुद ही फायर करके अपनी लोकेशन दे देता है। बाकी ये वाले गेम की बात करें तो ये वाले गेम में मिल गया था अपने को 20 पॉइंट का प्लस। अभी फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे। तो जस्ट यहाँ पे मैं जोन के अंदर आ ही रहा था तभी यहाँ पे जिस भाई की आईडी से मैं खेल रहा था गलती से भाई लॉगिन कर देता है। अब यहाँ पे मेरे को डर था, मैं काफ़ी ओपन में जोन के अंदर आ रहा था, कोई बंदा मेरी बेटी बना देगा। लेकिन लकीली यहाँ पे अपनी पेटी नहीं बनती है फिलहाल के लिए। अभी जस्ट मैं जोन के अंदर यहाँ पे एंटर करता हूँ। अभी के लिए इसके बाद वाला जोन में बनने का वेट यहाँ पे कर लेता हूँ। जोन यहाँ पे हल्का शिफ्ट हो जाता है सामने साइड वाले कंपाउंड यहाँ पे जोन के अंदर से डायरेक्ट। अभी मैं ये वाली ट्रिपल स्टोरी पे आके रुक जाता हूँ।
ये वाले बंदे को भी फिनिश कर दिया फिलहाल के लिए। इसके बाद वाला जोन वापस शिफ्ट हो गया था, अभी यहाँ पे स्मोक वगैरह करके मैं अपनी बगी लेके जोन के लिए निकलता हूँ। ये वाले बंदे जैसे जैसे फिनिश कर दिया फिलहाल के लिए हल्का सा मैं कवर के अंदर आता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे जस्ट ऊपर साइड पे एक और बंदा था, इस चीज़ का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अभी मेरा ऊपर साइड पे ध्यान जाता है, मैं देखता हूँ ऊपर साइड पे स्मोक होता है। अब ये वाले बंदे तो जैसे जैसे फिनिश कर दिया फिलहाल के लिए जल्दी से यहाँ पे पहले मैं कवर के अंदर आके हील लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को छोड़ के दो बंदे और लाइव है, जिसमें से एक बंदा सामने साइड पे AWM चला रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को जोन के अंदर भी जाना है। अब ये वाली बगी के टायर सामने साइड से एक बंदा फोड़ देता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं जोन के अंदर तो आ जाता हूँ, एक बंदा मेरे को होता था सामने वाली साइड पे, दूसरे बंदे की लोकेशन का भी के लिए मेरे को आइडिया था नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे देखो क्या सीन होता है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक बंदा डैमेज देता है, उसके बाद राइट साइड से दूसरा बंदा डैमेज देता है, लेकिन यहाँ पे 1 HP में मैं जैसे जैसे सर्वाइव कर लेता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये थी, इसके बाद वाला जोन यहाँ पे वापस शिफ्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे सामने वाले दोनों ही बंदों को मेरी लोकेशन का पता था, अभी यहाँ पे ऐसे ही मैं लेट लेट के धीरे धीरे जोन के अंदर जाने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला बंदा दूसरे बंदे फिनिश कर देता है, ये बंदे को मैं डैमेज देता हूँ लेकिन बंदा बच जाता है। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे लास्ट में ही फिनिश कर दिया। बाकी ये वाले गेम की मैं बात करूँ, ये वाले गेम में मिल गया था अपने को 28 पॉइंट का प्लस।
एंड यहाँ पे कल से मैं अपना प्लेटिनम टीयर से 40 डेज कॉन्कर चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ। आप में से जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी डायमंड टीयर पे पहुँच चुके हैं, आपके लिए 200 पॉइंट प्लेटिनम वालों के लिए, 300 एंड गोल्ड वालों के लिए 400 पॉइंट का कल का आपका टारगेट रहेगा। एंड यहाँ पे कल से अपने डेली कॉन्कर रैंक पुशिंग गेम प्लेज आने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को जोर से ऑल पे सेट कर लेना ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको डेली टाइम से मिल जाए। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कारोबार नहीं जाली नंबर लगी कार सारे यार नहीं बैठे बार नहीं कटे जान नहीं जो लगा ठगना।